अमरता की चाह लिए राक्षस बड़ा घोर तप करते थे। अमर हो जाएं इस लालसा से, घोर तपस्या से वो देवताओं को प्रसन्न कर लेते थे। ऐसी ही एक बड़ी प्रेरक और रोचक कथा है हैग्रीव की। हैग्रीव नाम का राक्षस अमृत तो पाने के लिए बड़ा कठोर तप किया। उसने अनेक वर्षों तक प्रेम, ध्यान और समर्पण से आराधना और उपासना की। उसने देवी शक्ति की बहुत अधिक आराधना की, प्रार्थना की। देवी शक्ति उसके तप से प्रसन्न होकर, प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हैग्रीव ने अमृत का वरदान मांगा। इस वरदान को देने से देवी ने मना कर दिया। तब हैग्रीव ने सोचा कि यदि मुझे मरना ही है तो मैं अपनी मौत को असंभव जटिल बना देता हूँ, ताकि वो संभव हो ही ना सके। उसने देवी से कहा कि माता, ठीक है आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकती, लेकिन यदि मुझे इस संसार से जाना ही पड़ा तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे ही नाम वाला व्यक्ति, जिसका शरीर भगवान का हो और सिर किसी घोड़े का, केवल वही मेरा वध कर सकता है। देवी मुस्कुराई और उसे ये वरदान दे दिया। अब हैग्रीव ये मान चुका था कि वो अमर ही है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जैसा उसने मारने वाले की कल्पना की थी वो जीव वास्तव में हो सकता है। इस विश्वास के साथ कि वो कभी नहीं मरेगा, उसने अपनी आसुरी करतूतों पर उतर आया और पूरी शक्ति के साथ दूसरों के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करने लगा, अत्याचार करने लगा। इस क्रूर दैत्यराज की अत्याचार के कारण लोग त्राही त्राही करने लगे, व्याकुल हो गए और सब कहने लगे कि आखिर इसके नाम का ही ऐसा कोई जीव कैसे हो सकता है जिसका शरीर भगवान का हो और सिर घोड़े का, और जब ये संभव नहीं होगा तो हैग्रीव कभी मरेगा ही नहीं। व्याकुल होकर सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास भी कोई समाधान नहीं था। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने कहा कि बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से मिले। जब वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु खड़ी मुद्रा में नींद में हैं और बहुत गहरी नींद में हैं। वे असुरों के साथ भीषण युद्ध करते करते इतना थक गए थे कि उन्हें खड़े खड़े ही नींद आ गई, और उनका धनुषांग उनके दाहिने हाथ में ही शोभायमान था। भगवान विष्णु को गहरी नींद में देखकर ब्रह्मा जी को संकोच हुआ। वो उन्हें जगाना नहीं चाहते थे, पर कोई विकल्प भी नहीं था। वे सोचने लगे कि आखिर क्या उपाय किया जाए कि भगवान की निद्रा दूर हो। उन्होंने सफ़ेद चींटियों का एक बड़ा झुंड बनाया और उसे धनुष पर रख दिया। उन्हें लगा कि चींटियाँ धनुष की प्रत्यंचा को चट कर जाएंगी और उसके टूटने के साथ धनुष के खुलने का तेज आवाज होगा और भगवान जाग जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके उलट हो गया। चींटियों ने प्रत्यंचा को पलक झपटते ही काट दिया और धनुष इतनी शक्ति के साथ खुला कि उससे भगवान विष्णु का गर्दन ही कट गया। उनका सिर आकाश में उछला और समुद्र में जाकर गिर गया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। इस घटना से घबरा कर सदन में आकर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। इस स्थिति में कोई हल न सूझने पर उन्होंने माँ शक्ति को याद किया। माँ शक्ति शीघ्र प्रकट हुई और बोली, आप लोग फिक्र न करें, श्री विष्णु ठीक हो जाएंगे। माता के ऐसी आश्वासन को सुनकर दोनों देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। देवी ने मुस्कान के साथ कहा कि एक दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी में बातचीत हो रही थी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, तुम सागर की पुत्री हो, तुम्हारे पिता स्वयं सागर हैं, किंतु उनका खारा जल कोई एक घूंट भी नहीं पी सकता, इसलिए उनका होना व्यर्थ है। और मैं तुम्हारे भाइयों के बारे में क्या कहूँ जो समुद्र मंथन के साथ उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा तो 2 सप्ताह तक स्वस्थ रहते हैं और फिर अगले पखवाड़े बीमार पड़ जाते हैं।
हलाहल विष वो बन गया जिसने शिवजी को नीले कंठ वाला यानी नीलकंठ बना दिया। अमृत देने वाले अमृत भीषण युद्ध का कारण बन गया और तुम्हारा एक सात सिर वाला अश्व दिन रात दौड़ता रहता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी उदास हो गई। उन्होंने कहा, लोगों की बुराई करना बहुत आसान है। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, यह संसार आज मेरे पिता के कारण ही अस्तित्व में है। चंद्रमा रात को इस धरती को प्रकाश देता है और अपने नीले कंठ के कारण ही शिव इस संसार की रक्षा कर सके। अमृत के कारण ही देवताओं का सनातन अस्तित्व है। माँ शक्ति ने भगवान विष्णु की कथा बताते हुए शिवजी और ब्रह्मा जी को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि विष्णु का इस रूप में आना तो पूर्व निर्धारित था, क्योंकि सब कुछ हैग्रीव के विनाश के लिए ही है। माँ शक्ति ने तलवार उठाई और पास ही एक घोड़े का सिर काट दिया। उन्होंने उस सिर को उठाया और भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया। घोड़े का सिर लगते ही भगवान विष्णु जीवित हो उठे। इस घोड़े के सिर के साथ भगवान का शरीर हयग्रीव के नाम से जाना गया। हय का अर्थ अश्व होता है और अब असुरों के युद्ध का समय आ गया। हयग्रीव का रूप लेकर अर्थात घोड़े के सिर वाले भगवान ने राक्षस हयग्रीव से युद्ध किया। भयंकर संघर्ष हुआ और हयग्रीव का नाश हुआ। भगवान ने हयग्रीव का वध करने के बाद जब वापस लौटे तो फिर से अश्व के सिर के स्थान पर उनका सिर लगा दिया गया और तभी से भगवान विष्णु का यह रूप हयशीर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो उनके दशावतारों में एक है। हयग्रीव की पूजा भी होती है। हयग्रीव जयंती के दिन भगवान को भोग लगाया जाता है। इस तरह से भगवान ने हयग्रीव का वध किया। इस संसार में कोई अमर नहीं है। अमरता की चाह लिए जो कोई भी संघर्ष किया उसका अंततः विनाश हो गया, क्योंकि अमरता की चाह अहंकार का उदय का कारण बनती है और अहंकार मनमानी करने की छूट देता है और इसी मनमानी से अत्याचार बढ़ने लगता है और तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। इसलिए इस अस्थाई संसार में जो कभी नहीं ठहरता, जो कभी नहीं रुकता, जो किसी को एक जैसा नहीं रखता, हमें अमरता की चाह नहीं रखनी चाहिए। हमें तो भक्ति और प्रेम के साथ जीवन को पवित्र और निश्चल बनाना चाहिए। जय श्री नारायण भगवान।